गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सभी लोग? कपड़े से भी कुछ होंगे तो सुबह सुबह उठ के मैंने नहा लिया है, बाकी मैं रेडी हो चुकी हूँ दुकान के लिए और सासू मान दे दी मेरी चाय। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं दुकान पे और मेरे को लेने के लिए आए थे दीदी और भैया, तो बाकी हम लोग पहुंच चुके हैं दुकान में और काफ़ी अच्छा लग रहा है आज हमको। अब मैं इसकी व्लॉग स्टार्टिंग ये नहीं करूँगी कि आधे से घर से करके लाएगी और यहाँ से मैं बताऊँगी। हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, हम एकदम मस्त हैं। तो हमारी निम्मी शादी के बाद कितनी चेंज लग रही है, देखो एकदम अलग लग रही है। पहले मैं सुंदर लगती थी, अब ये सुंदर लग रही है। कुछ भी मतलब कुछ भी, दोनों सुंदर लग रहे हैं। मैं तो नहीं लग रही, मेरे फेस में दाने हो गए थे, मेकअप बिल्कुल सूट नहीं करता हूँ। मेरा मूड तो अच्छा हो रहा है। तो बाकी अभी मेरे तो एक भी कस्टमर नहीं आए हैं अभी तक का, मतलब अभी टाइम हो रहा है 10:30 और दीदी के एक कस्टमर आए थे, वो मतलब काम करके चले गए हैं। बाकी अभी मैं कर रही हूँ थोड़ा दुकान की साफ सफाई और फिर दिखाते हैं आप लोगों को आगे। दीदी गई हुई है बैंक और अभी हमारे कस्टमर आ रखे हैं, तो इनकी थ्रेडिंग करनी है मुझे, तब तक मैं ही कर लेती हूँ दीदी के आने तक, तो फटाफट से इनकी थ्रेडिंग कर लेती हूँ पहले। तो गाइस बाकी दिन का काम वाम करने के बाद और लंच वंच करने के बाद हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं और अभी टाइम हो चुका है 4:30 और तो थोड़ी देर में निकलते हैं अब घर को। दीदी जाएगी मायका और मैं जाऊँगी ससुराल, तो लेने के लिए मेरा भैया आएगा और भैया मुझे मेरे ससुराल तक भी छोड़ के जाएगा क्योंकि मेरा ससुराल पास में ही है। तो मेरे को छोड़ने के बाद वो लोग जाएंगे घर और बाकी कुछ दिनों बाद मैं खुद ही लेके आऊँगी स्कूटी। अभी क्योंकि दीदी को आने में थोड़ा दिक्कत होगी, इसलिए भैया घर पे लेके जाएगा स्कूटी। जब भैया घर पे नहीं होगा तो उसके बाद मैं स्कूटी को ससुराल पे ले आऊँगी, उसके बाद डेली अप डाउन मैं ही करूँगी। तो बाकी आगे का ब्लॉग दिखाएंगे आपको घर जाने के बाद। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम सब रेडी हो चुके हैं, सब ने मतलब भैया और भाभी, भैया और भाभी आज जा रहे हैं और निम्मी दुकान को रेडी हो चुकी है। कैसा महसूस कर रहे हैं आज? बहुत अच्छा, बेकार लग रहा है मुझे। तो इसको ये रोने के लिए रेडी हो चुका है, लगभग 2-4 मिनट में रो ही जाएगा मेरे को लग रहा है। आमा तो रोने लग गई है। भाभी भी मेरे को लग रहा है रोएगी अभी थोड़ी देर में। जैकेट की जेब में रख दे। आमा रो रही है, भाभी भी रोएगी मेरे को लग रहा है। बैठो बैठो, अब्बा आलू। एक ही सदस्य है जो हंस रहा है घर का। आमा आशीर्वाद दे रही है अपना, भाभी को समझ में नहीं आ रहा है जो। और घर के मेन सदस्य रोड में खड़े हैं ऊपर, वो गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। है तो छोटे छोटे पार्ट